The End of Dieting, How to Live for Life, Introduction। आज के समय में लगभग हर चीज एक स्पीड से आगे बढ़ रही है और वो स्पीड है तेज। हम तुरंत प्यार में पड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन लगातार फास्ट चलता रहे। हम चाहते हैं कि हमारा खाना हमें जल्द से जल्द सर्व किया जाए। हम वेट भी इंस्टेंट यानी तुरंत कम करना चाहते हैं। यह मेंटालिटी ठीक नहीं है। कहा जाता है कि जो चीजें लंबे समय तक रहती हैं, वह अचानक से नहीं होती। आप जानेंगे कि ये बात हेल्दी होने पर भी अप्लाई होती है। आप सीखेंगे कि कौन सी अनहेल्दी आदतें आपको छोड़ने की जरूरत है। आप ये भी जानेंगे कि आपको कौन सा खाना अपनी डाइट में शामिल करने की जरूरत है। इसे शॉर्ट फॉर्म जी बम्स के जरिए आसानी से याद रखा जा सकता है। सबसे जरूरी चीज जो आप सीखेंगे वह है खुद का ख्याल कैसे रखें। हेल्दी होना बोरिंग नहीं बल्कि मजेदार भी हो सकता है। टॉक्सिक हंगर, मिस सेंड्रा दो एंडी स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्हें ये देखकर अच्छा लगता है कि उनके स्टूडेंट्स लंच टाइम के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। उनके स्टूडेंट्स खुश होकर अपना लंच बॉक्स अपने सामने रखते हैं। जब सेंड्रा कहती है कि लंच टाइम हो गया है तो वह खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। आमतौर पर सेंड्रा रूम में हर तरफ जाकर बच्चों को देखती है। वह अपने स्टूडेंट से पूछती है कि उन्होंने अपना खाना एंजॉय किया या नहीं। लेकिन आज मिस सेंड्रा को एक बात परेशान कर रही थी। उन्होंने उस खाने को देखा जो उनके स्टूडेंट्स खा रहे थे। उनमें सफेद ब्रेड, फ्राइड चिकन, फैटी मीट और बहुत सारे डिजर्ट थे। लगभग सभी स्टूडेंट्स के लंच बॉक्स में यही खाना था। सिर्फ सेंड्रा के स्टूडेंट्स ही इस तरह का खाना नहीं खा रहे थे बल्कि इस तरह का खाना ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक आम अमेरिकन के डाइट में प्रोसेस्ड या फ्राइड फूड होता है। ये अनहेल्दी डाइट लोगों को बीमार करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों में मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारी शामिल है। सच्चाई ये है कि हम गलत चीजें खाकर खुद को मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। हम अपने शरीर को ऐसे खाने से भर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट, चीनी और नमक है। ऐसी चीजों की लत लग जाती है। आजकल के लगभग सभी फूड प्रोडक्ट में फैट, चीनी या नमक भरा होता है। हमें अनहेल्दी खाने की लत क्यों लग जाती है? इसके कुछ कारण हैं, जैसे खाना पेट भरने का और इंसान को सेटिस्फाई करने का काम करता है, लेकिन यह आपके ब्रेन को खुश भी करता है। ज्यादा फैट, चीनी और नमक खाने से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खासतौर पर आपको अच्छा महसूस कराता है, और जब आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं? आप वही चीज दोबारा करना चाहते हैं जिसने आपको अच्छा महसूस कराया था। यहाँ पर वह चीज है अनहेल्दी खाना। आखिर में आपके ब्रेन को अच्छा महसूस करने के लिए और ज्यादा अनहेल्दी फूड की जरूरत होती है। इसी तरह से ब्रेन काम करता है। आप एक तय लेवल तक चीनी, नमक और फैट के आदि हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धीरे धीरे आप इनसे अच्छा महसूस करना बंद कर देते हैं। तो अब आप उस अनहेल्दी खाने से खुशी पाने के लिए क्या करते हैं? आप खाने की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कई लोग अच्छा महसूस करने के लिए खाने की मात्रा को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा देते हैं और ऐसे ही फूड का एडिक्शन यानी लत लग जाती है। टॉक्सिक हंगर का मतलब है अनहेल्दी फूड का एडिक्शन हो जाना। ऑस्टिन का वेट बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों में उनका वजन कई किलो बढ़ गया है। ऑस्टिन को पता है कि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। उन्हें एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए और खाने को लेकर भी समझदार होना चाहिए, लेकिन ऑस्टिन ऐसा नहीं करते। इसके बजाय वह फ्राइड फूड खाते रखते हैं। वह मिठाई की क्वांटिटी को भी दुगना कर देते हैं। ऑस्टिन को टॉक्सिक हंगर की प्रॉब्लम है। याद रखिए कि आप अनहेल्दी खाने के आदि हो सकते हैं। जब आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, इसलिए आप इसे खाना रोक नहीं पाते। अगर आप अनहेल्दी फूड खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? इससे आपको विथड्रॉल सिम्टम्स फील होने लगेगा। विथड्रॉल सिम्टम से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए आप फिर से अनहेल्दी फूड खाते हैं ताकि आप इस फीलिंग से छुटकारा पा सकें। इन सिम्टम्स में खाने के बाद नींद आना शामिल हो सकता है। आप भूख ना लगने के बावजूद खाना बंद नहीं करते। आप खाने को अपना स्ट्रेस कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक हंगर कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है।
इसलिए ऑस्टिन को खाने को लेकर अपने बिलीव्स को बदलना होगा। खासतौर पर आपको खाने को लेकर अपने बिलीव्स को बदलने की जरूरत है। यही टॉक्सिक हंगर के साइकिल को खत्म करने का इकलौता तरीका है। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? नाला पहले मोटी हुआ करती थी। कई बार ऐसा भी होता था जब वह अपना वजन कम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करती थी। नाला हर दिन एक्सरसाइज करती थी और हेल्दी खाना खाती थी, लेकिन इस रूटीन को लंबे समय के लिए फॉलो नहीं कर पाती थी और फिर से अनहेल्दी चीजें खाने लगती थी और एक्सरसाइज करना बंद कर देती थी। लेकिन एक बार फिर नाला ने हेल्दी बनने के लिए इंस्पायर्ड महसूस किया। इस बार वह इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड थी। क्या आपको पता है उन्हें वजन कम करने और हेल्दी बनने के लिए किस चीज ने मदद की? नाला ने बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाने का फैसला किया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरे खाने में कैलोरी कम होती है, लेकिन वह बहुत न्यूट्रिशियस होता है। नाला अपने हर मील में फल और सब्जियां शामिल करती थी। वो अक्सर बीन्स और मशरूम भी खाती थी। इस तरह के खाने ने उनके टॉक्सिक हंगर पर रोक लगाने में मदद की। नाला को धीरे धीरे जंक फूड खाने की इच्छा कम होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरे खाने एडिक्टिव नहीं होते, यानी उनकी लत नहीं लगती है। ये अनहेल्दी चीजों जैसा नहीं है जो आपको बार बार और ज्यादा खाने के लिए उकसाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरी चीजें खाने से आपको पेट भरा हुआ लगता है। अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स आप में और ज्यादा खाने की इच्छा पैदा करते हैं। डाइट मिस एक्सपोज हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में रिसर्च करना कंफ्यूजिंग होता है। इस बारे में कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के अपने अपने वर्जन हैं। कई बार तो हमें ये तक समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। आज तो मार्केट में कई पॉपुलर डाइट हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग ये दावा करते हैं कि ये उनके हेल्दी और सेक्सी होने का सीक्रेट है। लेकिन इस तरह के ज्यादातर डाइट्स खतरनाक होते हैं। वह हेल्दी वेट लॉस को बढ़ावा नहीं देते और सबसे जरूरी बात, वह प्रॉपर हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा नहीं देते। इन डाइट्स पर आसानी से भरोसा ना करें। सच क्या है और क्या नहीं, ये जानने के लिए हेल्दी फूड को इन बातों को ध्यान में रखिए। तीन फैक्ट्स बदले नहीं जा सकते। पहला, सब्जियां, बीन्स, सीड्स, फल और नट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जेमी हेल्दी चीजें खाना पसंद नहीं था। पहले उनकी डाइट में सिर्फ फास्ट और फ्राइड फूड होता था, लेकिन फिर जेमी अक्सर बीमार पड़ने लगे। उन्हें कई बीमारियों के होने का खतरा भी था। जेमी को एहसास हुआ कि उनका शरीर खुद अकेले हर समय बीमारियों से नहीं लड़ सकता, उनके शरीर को मदद की जरूरत है। इसलिए जेमी ने अपने डाइट में सब्जियों और फलों को मिलाना शुरू किया। अब वह बिना बीन्स, सीड्स या नट्स के खाना खा ही नहीं सकते थे। इस बदलाव के बाद अब जेमी फिजिकली और मेंटली खुश रहने लगे हैं। मीट और जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट से कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन में IGF-1 नाम का हार्मोन होता है जो कैंसर सेल्स को बढ़ाता है। मीट और दूध से बनी चीजों में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे दिल की बीमारी होती है। यहाँ तक कि मीट या एनिमल प्रोडक्ट को पकाना उसे और हानिकारक बना देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसे पकाने के लिए तेल की जरूरत होती है। रेस्टोरेंट में मिलने वाले फास्ट फूड में जो मीट होता है और सुपरमार्केट में मिलने वाले एनिमल प्रोडक्ट को पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, कैन में भरा जाता है और भी बहुत कुछ किया जाता है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फूड मैन्युफैक्चरर मीट और एनिमल प्रोडक्ट में बहुत सारे स्वीटनर और प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं। वजन कम करने और अच्छे हेल्थ का सीक्रेट है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो प्रोडक्ट होता है जिसे कई बार प्रोसेस किया गया है, इसलिए उसमें बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। ब्रेड, केक और पेस्ट्री इसके एग्जाम्पल हैं। मैदा, चीनी और प्रोसेस्ड ग्रेन्स यानी अनाज भी इसमें आते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। उनमें बिल्कुल विटामिन या मिनरल्स नहीं होते। डायना कभी भी अपना खाना स्किप नहीं करती है। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उनका पेट भरा हुआ हो, लेकिन फिर भी डायना अक्सर बीमार पड़ जाती है। बहुत सारा खाना खाने के बाद भी उनमें एनर्जी की कमी रहती है। वैसे तो डायना की उम्र कम है, लेकिन अपने कलीग्स के मुकाबले वह उनसे बड़ी उम्र की लगती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि डायना की डाइट हेल्दी नहीं है। वह हमेशा मीट खाती है। वह हर दिन मिठाई खाती है। उन्हें याद भी नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार फल या सब्जी कब खाई थी। लगातार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते रहने से मोटापा, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे उम्र भी जल्दी बढ़ती है, इसलिए डायना अपनी उम्र से बड़ी लगती है। द एंड ऑफ डाइटिंग। वजन कम करने और हेल्दी होने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है एक ऐसा डाइट फॉलो करना जिसमें हरी और कलरफुल सब्जियां भरी हों। अपने खाने में बीन्स, सीड्स और ताजे फलों को शामिल करना ना भूलें। आप सिर्फ हेल्दी महसूस ही नहीं करेंगे बल्कि दिखेंगे भी। रायन पर अलग अलग डाइट ट्राई करने का सनक सवार था। वो बार बार अपनी डाइट बदलते रहते थे। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन असल में रायन अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने ड्यूकिन डाइट और द एटकिंस डाइट ट्राई की है। उन्होंने ये डाइट इसलिए ट्राई की क्योंकि वह तुरंत वजन घटाने का दावा करती है। डाइट के जरिए वेट कम करने में फूड रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ तरह के खाने को पूरी तरह बंद करना होता है। इस डाइट को फॉलो करने के दौरान रायन ने सिर्फ प्रोटीन से भरा हुआ डाइट लिया था, जैसे अंडे और चिकन ब्रेस्ट। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम मात्रा में खाया था। इस डाइट से रायन के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई। ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट शुगर है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। ये हमारे ब्रेन और शरीर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। जब शरीर और ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होती है तो क्या होता है? तब केटोसिस होता है। केटोसिस एक मेटाबॉलिक स्टेट है जिसमें शरीर फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ये सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में ये वजन कम करने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन ये खतरनाक होता है। केटोसिस खून में एसिड को बढ़ा देता है और हड्डी से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे शरीर में बहुत एसिड जाने लगता है। इसके कारण शरीर एसिडिटी को कम करने के लिए जमा किए हुए मिनरल्स को इस्तेमाल करता है। अब आपके शरीर में मिनरल्स की कमी होने लगती है। इससे मिनरल्स की कमी और इम्बैलेंस होगा, जैसे आपके दिल की धड़कन गड़बड़ हो जाएगी। केटोसिस से किडनी भी खराब हो सकती है। रायन ने इन पॉपुलर डाइट्स के खतरनाक इफेक्ट्स के बारे में जानने के बाद उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया। उन्होंने एक ऐसी डाइट अपनाने का फैसला किया जो ज्यादा हेल्दी हो और लंबे समय तक की जा सके। यही वो डाइट है जो इस बुक के ऑथर जोएल फूमन रेकमेंड करते हैं। रायन ने फास्ट फूड और स्लो फूड के बीच में फर्क को समझा। फिर उन्होंने खुद के साथ ये डील की कि वो जितना हो सके उतना फास्ट फूड खाना कम कर देंगे। जब आप फास्ट फूड का नाम सुनते हैं तो आपके मन में रेस्टोरेंट का इमेज आता होगा। फास्ट फूड बहुत प्रोसेस किए हुए फूड प्रोडक्ट होते हैं। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी भी होती है और उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स भी नहीं होते। रायन डिजर्ट के रूप में चॉकलेट केक की 4 स्लाइस खाते थे। शरीर चॉकलेट को सिंपल ग्लूकोज में बदल देता है। ये सिंपल ग्लूकोज रायन के खून में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चॉकलेट केक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसलिए शरीर चॉकलेट केक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये शरीर में फैट की तरह जमा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्लो फूड को पचने में काफी समय लगता है। अब रायन चॉकलेट केक की जगह नट्स और सीड्स खाते हैं। नट्स और सीड्स में फैट होता है, लेकिन न तो वह तुरंत खून में मिल जाता है और न ही फैट की तरह जमा होता है। नट्स और सीड्स पचने में इसलिए समय लेते हैं क्योंकि उनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। रायन ने हेल्दी जिंदगी जीने के बारे में अपना माइंडसेट भी बदल दिया है। अब उन्हें ये नहीं लगता कि हेल्दी जीने का मतलब सिर्फ वजन कम करना होता है। अब वह हर चीज की ओर ध्यान देते हैं, मतलब अब वह बस वजन कम करने पर फोकस नहीं करते। रायन ने अच्छा महसूस करने पर फोकस किया। उन्होंने सीखा कि हेल्दी डाइट से उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। रायन ने अपना खाना खुद बनाने की आदत बना ली है। उन्होंने अपने किचन को फल, सब्जियों और दूसरे हेल्दी चीजों से भर लिया है। अब वहाँ जंक फूड या डिजर्ट के लिए कोई जगह नहीं है। रायन ने हर हफ्ते जो उन्हें खाना है उसकी लिस्ट भी बनाई। इससे उनका खाना ऑर्डर करने या फास्ट फूड खाने की इच्छा भी कम हो गई है। द पावर ऑफ रियल फूड। आप हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। आप बीमार होने की चिंता किए बिना भी जिंदगी जी सकते हैं। आपको बस करना यह है कि सही डाइट चूज करना है।
सही खाना सबसे ताकतवर दवाई होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? आपको बस एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, जीबम्स। जीबम्स का मतलब है ग्रीन्स, बीन्स, अनियंस, मशरूम्स, बेरीज और सीड्स। ये चीजें इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। ये हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल्स में बदलने से भी रोकती हैं। कोई भी हरी चीज आपके लिए अच्छी होती है। लेटिस और कच्चे सलाद वाली सब्जियों में ऐसा कंपाउंड होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। ये डायबिटीज होने से भी रोकता है। 24 साल की रोज ने ये रूल बना लिया है कि हर दिन कम से कम एक बार उसे एक बड़ा बाउल सलाद खाना है। इसे ज्यादा मात्रा में खाने से जल्दी भूख नहीं लगती। इसके बजाय ये वजन कम करने में मदद करता है। याद रखिए, कच्ची सब्जियां स्लो फूड हैं। आपके शरीर को इसे पचाने में समय लगता है और यह शरीर में फैट के रूप में जमा नहीं होता है। कच्ची सब्जियां खाने के फायदों को कई स्टडीज ने साबित किया है। ये मुंह और गले के कैंसर को होने से रोकने में मदद करते हैं। जो लोग कच्ची सब्जियां खाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। बीन्स और लेग्यूम्स यानी फलियां डायबिटीज होने से रोकते हैं। ये वजन कम करने में भी मदद करते हैं। लेग्यूम्स को शरीर धीरे धीरे पचाता है। बेन अपने लंच में लेग्यूम्स शामिल करता है। लेग्यूम्स बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इसी वजह से बेन का शुगर लेवल स्टेबल हो गया था। इसने बेन के टॉक्सिक हंगर को रोकने में भी मदद की। अब उसे शाम को हमेशा स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती। उसकी हमेशा खाना खाने की इच्छा भी दूर हो गई है। डॉक्टर डेविड जेनकिस ने बीन्स और उससे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है इस पर स्टडी की। उनकी स्टडी ने लोगों के दो ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऑब्जर्व किया। ग्रुप ए ने ज्यादा बीन्स और कम होल ग्रेन यानी साबुत अनाज खाया था। ग्रुप बी ने होल ग्रेन ज्यादा खाया था और बीन्स कम। ग्रुप ए के लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ग्रुप बी के लोगों के मुकाबले कम था। बीन्स में भरपूर मिनरल्स होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से उनमें ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का एक स्केल है। इससे ये पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट किसी इंसान के ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर डालता है। बीन्स में ब्लड प्रेशर और कैंसर कम करने वाले इफेक्ट्स होते हैं। आर बीन्स के स्टार्च को फैटी एसिड में बदल देता है। ये फैटी एसिड कोलोन कैंसर के बढ़ने को रोकते हैं। प्याज खाने को सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनाता बल्कि इनक कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून सिस्टम पर भी अच्छा असर होता है। प्याज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैंसरस सेल्स के होने के खतरे को भी कम करता है। इतना ही नहीं, प्याज में सूजन को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। प्याज की तरह मशरूम भी खाने को टेस्टी बनाते हैं। आप इसे लगभग किसी भी डिश में डाल सकते हैं। जशियों को सूखे और पके हुए दोनों तरह के मशरूम पसंद हैं। वो इसे अपने खाने में जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करते हैं। मशरूम इम्यून सिस्टम की मदद करता है, इसलिए जशियों बहुत कम बीमार पड़ते हैं। मशरूम में मोटापे को रोकने वाले इफेक्ट होते हैं। ये ब्लड शुगर को कम रखने में भी मदद करता है। इन्हें स्लो फूड माना जाता है। शरीर मशरूम को फैट की तरह स्टोर करने के बजाय इसे पचाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को फैट के रूप में स्टोर करने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेता है। मशरूम को वेट लॉस मिरेकल फूड का टाइटल मिलना चाहिए। ये गट यानी आंतों का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। गट यानी आंतें आप जो भी खाते या पीते हैं उसे पचाने में मदद करता है। गट में लाखों गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको हेल्दी रखते हैं। मशरूम गट में इन बैक्टीरिया की वैरायटी को बढ़ाता है। ये सेल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ता भी है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेरीज में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि बेरीज कोरोनरी हार्ट डिजीज के खतरे को कम करती हैं। अनार में भी यही फायदे हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसरस सेल्स को बनने से रोकते हैं। जरूरी नहीं बेरीज खाने का ही हिस्सा हों। रिने के बच्चों को बेरीज बहुत पसंद है क्योंकि वो उसे स्नैक्स के रूप में खाते थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बेरीज का स्वाद मीठा होता तो बच्चों को बसी आसानी से पसंद भी आ जाता है। आखिरी पावर फूड है सीड्स। सीड्स सिर्फ जानवरों के खाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। सीड्स सिर्फ दिखने में छोटे होते हैं लेकिन ये न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। सीड्स बीमारियों से लड़ती हैं और जिंदगी को लंबा करती हैं। इनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखते हैं। कई तरह के सीड्स हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे फ्लक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स।
आप चिया सीड्स को अपने ड्रिंक में भी मिला सकते हैं। सीड्स जूलिया के डाइट का एक जरूरी हिस्सा है। जब उन्हें पता चला कि ये उनके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा है, तो उन्होंने इसे अपने खाने और ड्रिंक में मिलाना शुरू कर दिया। सीड्स के ऊपर की गई एक स्टडी से पता चला है कि ये कितना अच्छा और जबरदस्त फूड प्रोडक्ट है। इस स्टडी का फोकस उन औरतों पर था जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। उन्हें ऐसे मफिन खाने के लिए कहा गया जिसमें फ्लक्स सीड्स थे। एक महीने के अंदर ही उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। उन औरतों में ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ कम हो गई थी। जब उन औरतों ने अपने डाइट में सीड्स को शामिल किया तो मौजूदा ट्यूमर सेल्स भी अपने आप मरने लगे थे। द प्लान। इसी वजह से बेन का शुगर लेवल स्टेबल हो गया था। इसने बेन के टॉक्सिक हंगर को रोकने में भी मदद की। अब उसे शाम को हमेशा स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती। उसकी हमेशा खाना खाने की इच्छा भी दूर हो गई है। डॉक्टर डेविड जेंकिंस ने बीन्स और उससे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है इस पर स्टडी की। उनकी स्टडी ने लोगों के दो ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऑब्जर्व किया। ग्रुप ए ने ज्यादा बीन्स और कम होल ग्रेन यानी साबुत अनाज खाया था। ग्रुप बी ने होल ग्रेन ज्यादा खाया था और बीन्स कम। ग्रुप ए के लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ग्रुप बी के लोगों के मुकाबले कम था। बीन्स में भरपूर मिनरल्स होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से उनमें ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का एक स्केल है। इससे यह पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट किसी इंसान के ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर डालता है। बीन्स में ब्लड प्रेशर और कैंसर कम करने वाले इफेक्ट्स होते हैं। आर बीन्स के स्टार्च को फैटी एसिड में बदल देता है। ये फैटी एसिड कोलोन कैंसर के बढ़ने को रोकते हैं। प्याज खाने को सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनाता बल्कि इनक कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून सिस्टम पर भी अच्छा असर होता है। प्याज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैंसरस सेल्स के होने के खतरे को भी कम करता है। इतना ही नहीं, प्याज में सूजन को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। प्याज की तरह मशरूम भी खाने को टेस्टी बनाते हैं। आप इसे लगभग किसी भी डिश में डाल सकते हैं। जशियों को सूखे और पके हुए दोनों तरह के मशरूम पसंद हैं। वो इसे अपने खाने में जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करते हैं। मशरूम इम्यून सिस्टम की मदद करता है, इसलिए जशियों बहुत कम बीमार पड़ते हैं। मशरूम में मोटापे को रोकने वाले इफेक्ट होते हैं। ये ब्लड शुगर को कम रखने में भी मदद करता है। इन्हें स्लो फूड माना जाता है। शरीर मशरूम को फैट की तरह स्टोर करने के बजाय इसे पचाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को फैट के रूप में स्टोर करने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेता है। मशरूम को वेट लॉस मिरेकल फूड का टाइटल मिलना चाहिए। ये गट यानी आंतों का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। गट यानी आंतें आप जो भी खाते या पीते हैं उसे पचाने में मदद करता है। गट में लाखों गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको हेल्दी रखते हैं। मशरूम गट में इन बैक्टीरिया की वैरायटी को बढ़ाता है। ये सेल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ता भी है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेरीज में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि बेरीज कोरोनरी हार्ट डिजीज के खतरे को कम करती हैं। अनार में भी यही फायदे हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसरस सेल्स को बनने से रोकते हैं। जरूरी नहीं बेरीज खाने का ही हिस्सा हों। रिने के बच्चों को बेरीज बहुत पसंद हैं क्योंकि वो उसे स्नैक्स के रूप में खाते थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बेरीज का स्वाद मीठा होता तो बच्चों को बसी आसानी से पसंद भी आ जाता है। आखिरी पावर फूड है सीड्स। सीड्स सिर्फ जानवरों के खाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। सीड्स सिर्फ दिखने में छोटे होते हैं लेकिन ये न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। सीड्स बीमारियों से लड़ती हैं और जिंदगी को लंबा करती हैं। इनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखते हैं। कई तरह के सीड्स हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे फ्लक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स। आप चिया सीड्स को अपने ड्रिंक में भी मिला सकते हैं। सीड्स जूलिया के डाइट का एक जरूरी हिस्सा है। जब उन्हें पता चला कि ये उनके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा है, तो उन्होंने इसे अपने खाने और ड्रिंक में मिलाना शुरू कर दिया। सीड्स के ऊपर की गई एक स्टडी से पता चला है कि ये कितना अच्छा और जबरदस्त फूड प्रोडक्ट है। इस स्टडी का फोकस उन औरतों पर था जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। उन्हें ऐसे मफिन खाने के लिए कहा गया जिसमें फ्लक्स सीड्स थे। एक महीने के अंदर ही उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। उन औरतों में ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ कम हो गई थी। जब उन औरतों ने अपने डाइट में सीड्स को शामिल किया तो मौजूदा ट्यूमर सेल्स भी अपने आप मरने लगे थे। द प्लान। डैन को हेल्दी चीजें खाना ज्यादा पसंद नहीं था।
एक तरह से कहा जाए तो उसे खाने से प्यार है। वह हमेशा फ्राइड चिकन खाने और आइसक्रीम के टब खरीदने के बहाने खोजता रहता है। लेकिन डैन को पता था कि उसे हेल्दी डाइट फॉलो करने की जरूरत है। उसकी फैमिली में कई लोगों को डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर है। इस वजह से उसके कई रिश्तेदार की मौत भी हो गई थी। अगर डैन को लंबा जीवन जीना है तो उसे फिट होने की जरूरत थी। उसने अपना माइंडसेट बदलने से शुरुआत की। उसने उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना बंद कर दिया जिन्हें वह नहीं खा सकता था। इसके बदले वह हेल्दी खाना एंजॉय करने लगा जिसे वह खा सकता था। समय के साथ डैन की पसंद बदल गई। अब उसके टेस्ट बड्स को फास्ट फूड उतना अच्छा नहीं लगता था। अब डैन को फल, सब्जियां और बीज खाने की इच्छा होती है। डैन अब हेल्दी और फिट है। इसके लिए उसने 6 गाइडलाइंस फॉलो की थी। ये 6 गाइडलाइंस आपके लिए एक प्लान की तरह काम आ सकती हैं। ये आपको हैप्पी, हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने में मदद करेंगी। पहला, हार्डन सलाद का एक बड़ा बोल खाए। डैन के सलाद में लेटस, केल, प्याज और टमाटर होता है पूर्ण विराम। अलग अलग सब्जियां मिलाने से दरिये मिर्च। आप इसमें उबली हुई जुकनी या हल्का सा रोस्ट किया हुआ मशरूम भी मिला सकते हैं। आपका सलाद जितना कलरफुल होगा उतना अच्छा होगा। दूसरा, हर दिन कम से कम आधा कप बीज जरूर खाए। आपको बीज को कच्चा खाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने स्टू या चिली में डालकर उसे और ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। आप हफ्ते की शुरुआत में ज्यादा वेजी बीन सूप बनाकर रख सकते हैं। फिर उसे इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए ताकि आप हर रोज एक बोल वेजी और बीन्स खा सके। कई बार डैन अपने वेजी बीन सूप को मिक्सी में पीस लेता है और फिर वह इसे सलाद में ड्रेसिंग की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा, एक प्लेट उबली हुई हरी सब्जियां खाए। आपको बाजार में जो भी हरी सब्जियां मिले उसे ट्राई कीजिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन सभी का स्वाद कितना अलग हो सकता है। सब्जियों को कुछ मिनट उबालना ही काफी है, इन्हें ज्यादा मत उबालिए। सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। अपने खाने में नट्स शामिल कीजिए। डैन यह पक्का करते हैं कि हर दिन उनके खाने में 1 औंस नट्स और सीड्स हो। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप इसे दिन भर में स्नैक की तरह खा सकते हैं। सीड्स को आप कच्चा या भुना हुआ खा सकते हैं। अपने खाने में मशरूम और प्याज भी शामिल कीजिए। मशरूम को कच्चा नहीं खाना चाहिए। ये पका करने के लिए कि उसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स खत्म हो चुके हैं, उन्हें पकाना जरूरी है। मशरूम और प्याज को सलाद में मिलाया जा सकता है। डैन हमेशा अपने सब्जियों के साथ एक डब्बा मशरूम भी रखते हैं। छठा, दिन में कम से कम 3 फल जरूर खाए। फल जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा। नए फल ट्राई करने से घबराइए मत। ये आपके हेल्दी जिंदगी के सफर को आसान बना देगा। आपके खाने की चॉइस लिमिटेड नहीं है। आपके पास अलग अलग फल, सब्जियां, बीज, नट्स और सीड्स को मिक्स एंड मैच करने की आजादी है। कंक्लूजन। पहला, अपने टॉक्सिक हंगर के बारे में समझा। टॉक्सिक हंगर अनहेल्दी खाने के लिए कभी ना खत्म होने वाली इच्छा को कहते हैं। प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खतरनाक होते हैं। ये आपको इमोशनली और फिजिकली बीमार बना सकते हैं। अपनी डाइट में धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरा फूड शामिल करके टॉक्सिक हंगर से बचा जा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड वह चीजें हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरी होती हैं। ये आपके शरीर को एनर्जी और न्यूट्रिशन देती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड के एग्जांपल हैं फल और सब्जियां पूर्ण विराम। आपको अपनी इमोशनल ईटिंग को भी कंट्रोल करना होगा। दूसरा, आपने सीखा पॉपुलर डाइट पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हेल्दी ईटिंग के बारे में इन 3 फैक्ट्स को ध्यान में रखें। सब्जियां, सीड्स, बीज, फल और नट्स बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। मीट और जानवरों से मिलने वाला प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में खाना खराब होता है। वजन कम करने के लिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बचिए। तीसरा, आपने सीखा कि हेल्दी लाइफ का मतलब खाने से परहेज करना यानी डाइटिंग करना नहीं है। आजकल की डाइट फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको स्लो फूड खाना पड़ेगा। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं उसके बारे में अवेयर रहिए। चौथा, आपने जी बम्स के बारे में समझा। इसका मतलब है ग्रीन्स, बीन्स, अनियंस, मशरूम्स, बेरीज और सीड्स। आपका खाना इन चीजों से बना होना चाहिए। आपका मेन मील सलाद होना चाहिए। हेल्दी जिंदगी जीना सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है। अपने फिगर से ज्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। आप क्या खाते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है।
आप क्या खा रहे हैं इसके बारे में माइंडफुल बनिए, क्योंकि आपका शरीर एक ऐसी चीज है जिसे कभी किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आपके पास यही शरीर हमेशा रहेगा। आपके खराब डाइट के असर को रिवर्स करने में समय लगेगा, लेकिन इस फैक्ट पर यकीन रखिए कि आप हेल्दी हो सकते हैं और जरूर होंगे। जिंदगी को सच में एंजॉय करने के लिए हेल्दी शरीर की जरूरत है और आप इसे डिजर्व करते हैं।